वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज ऑफिस का फर्स्ट डे है आफ्टर 2 ईयर्स, तो अंदर से ऐसा धक 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 कुछ भी नहीं हो रही है ऐसे अंदर से, बट हाँ पंक्चुअल थोड़ा रहना ज़रूरी है। 10 बजे का ऑफिस है और सुबह 8 बजे से ही मेरी नींद खुलने में लगी थी, तो 8:10 पे मैं ब्रेकफास्ट लेने चले गया था। यार ये मैं ब्रेकफास्ट लेके आ गया था, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। परांठे और आलू की सब्जी ये मैंने पहले ही ला के रख ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार ऊपर, मतलब भीड़ काफ़ी होती है ना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हो गया जो कि ब्रेकफास्ट का होता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि पीजी में आपको पता ही होगा लाइन लग जाती है सुबह से ब्रेकफास्ट के लिए। 8 से 9:30 बजे तक की टाइमिंग होती है, और आप देखो उस समय मोस्टली सारे लोग जो होते हैं ऑफिस जाने वाले होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आज बनाया प्लेन पराठा फिर आलू की सब्जी और 2 चाय के कप मैं ले आया हूँ, तो पहला मॉर्निंग का सबसे पहला टास्क जो है कम्प्लीट हो गया है। तो अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है आफ्टर 2 ईयर्स। भाई कितने सारे लोग जा रहे हैं ऑफिस को। जॉब करना कितना ज्यादा जरूरी है अब पता चल रहा है। आप देखो हमारी जनरेशन के भी कितने सारे लोग हैं जो जा रहे हैं ऑफिस को। ये यार जितनी जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट है। अभी ऑन द वे हैं हम भी ऑफिस को, फर्स्ट डे है, देखो क्या होता है। वैसे इससे पहले वर्क किया है तो ज़्यादा वैसे कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, बट थोड़ा बहुत होता है यार फर्स्ट डे की आप पंक्चुअल पहुँचो टाइम से। 10 बजे की टाइमिंग दी है तो 10 बजे तो पहुँच ही जाऊँगा मैं, ऑलमोस्ट के पहुँच ही जाऊँगा मैं। पहुँच गया हूँ, मेट्रो से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है। वापस ऐसा लग रहा है कि वही स्कूल वाला रूटीन हो जाएगा हमारा, लंच पैक करो बैग पकड़ो और वापस फिर वही स्कूल की तरह जाओ और शाम को वापस आ जाओ, तो वही वाला रूटीन अब कंटिन्यू होने वाला है। कभी कभी तो सही में ऐसे लगता है कि जॉब की बहुत कमी है, और कभी तो लगता है कि जॉब की कमी नहीं है, करने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे यार कितने सारे लोग हैं जो जॉब के लिए आते हैं, और इवन अभी तो कहीं पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो ट्राई कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, कमी नहीं है यार जॉब की अगर आप करना चाहो तो। कल परसों भी चले थे इंटरव्यू, पता नहीं कहाँ चल रहे होंगे यार, जब भी तो और बंदे ऐड हुए हैं। हाँ बंदे ऐड हुए हैं ना पहले तो, या तो फिर वो घर से पहले वाले होते तो उनको पहले ही ऐड कर लेते जॉब में। फर्स्ट डे ऑफिस और 1 घंटे में ही छुट्टी हो गई, लाइफ में पहली बार हुआ ऐसा। रीज़न क्या था, साथ में जो कई लोग ज्वाइन करने वाले थे तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से अब ज्वाइनिंग हमारी जो है थोड़ी लेट हो गई है। 4-5 दिन की और छुट्टी मिल गई है। सुबह से नींद नहीं आ रही थी, मतलब ये लगा लो 10 बजे का ऑफिस और 8 बजे से मेरी आँख खुल गई थी कि ऑफिस जाना है 2 साल बाद में, और टाइम का पंक्चुअल रहना है। तो भाई आज हो गई छुट्टी और अब जा रहे हैं वापस रूम पे, और 4-5 दिन के बाद में फिर से रीजॉइनिंग होगी, तो उसी दिन आएंगे फिर अब ऑफिस। 4-5 दिन का फिर रेस्ट हो गया, अब सैलरी भी कट गई 4-5 दिन की। तो अभी मैं गाइस घर पहुंच गया हूं, लेकिन एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। आज हम जब ज्वाइन करने गए थे तो न्यू जॉइनर्स भाई बहुत सारे फ्रेंड थे, तो कल ही रिसेंटली एक भाई के साथ मतलब 5,000 रुपये का जो है वो एक फ्रॉड हो गया है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि भाई जो है हमारे वो गुड़गांव में रहते हैं, क्या हुआ कि उनके साथ में मतलब उन्होंने ATM से कैश विड्रॉ किया और 4 से 5 लोग उन्हें देख रहे थे भाई, पता नहीं कहां से क्या हुआ। तो भाई उनके साथ मतलब पीछा करा उनका और भाई पैसे वैसे छीन लिए 4-5 लोगों ने, तो भाई एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। आप जानते हैं कि यार इस एज में जब आप घर से बाहर निकल लें और आपके पास में वैसे भी पैसे कम होते हैं, तो भाई ये बहुत बड़ा मतलब एक लॉस हो गया यार। कभी ये सोचा नहीं था कि मतलब भाई गुड़गांव में, मतलब आप सोच सकते हो कि वहाँ पे कितना मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर है, कितना सही लेवल का, तो भाई वहाँ पे ये आप खुद इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे ये चीज़ होना मतलब पॉसिबल नहीं है यार। तो लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझे बताया यार, उन्होंने कहा कि यार मैं किसी के साथ वैसे शेयर नहीं कर रहा, फैमिली के साथ तो वैसे भी शेयर नहीं कर सकते यार, क्योंकि घर से बाहर हैं, फैमिली को भी टेंशन हो जाती है। तो भाई बहुत बुरा लॉस हुआ है, हमने सोचा नहीं था यार गुड़गांव में भी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं भाई। मतलब आप भी अगर कहीं गुड़गांव वगैरह में हैं या फिर ऐसे थोड़ा आउटडेटेड टाइप की एरियाज़ वगैरह में रहते हैं ना, तो कैश वैश आराम से मतलब सही तरीके से विड्रॉ करो यार। ये देखो कि कहीं आपको कोई देख तो नहीं रहा है कि भाई उन्होंने सामने सामने ATM से कैश विड्रॉ किया, उनका पीछा करते हुए कम से कम 200-300 मीटर आगे आके भाई किसी ने उनके पैसे निकाले, और वो तो भाई
भगवान की कृपा से भाई उनका मतलब फ़ोन वगैरह ये सारी चीज़ें बच गई हैं, तो आप यार कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा सेफली आप रहें वहाँ पे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें यार, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था ये। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आएँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे और भी लाइफ के जितने एक्सपीरियंस रहेंगे, कोशिश ये रहेगी आपके साथ सारे के सारे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।